अभी एक नया क्वेश्चन है कह रहा है कि फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन का केमिकल रिएक्शन का जब हम लोग काइनेटिक स्टडीज करते हैं तो उसमें ये डेटा हमारे सामने आया। काइनेटिक रिएक्शन कौन है, 2A प्लस B प्रोड्यूसर CMB, ठीक है ना। वो एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3, 4 चार एक्सपेरिमेंट किया गया। पहले एक्सपेरिमेंट में ए का कॉन्सेंट्रेशन ये है, बी का कॉन्सेंट्रेशन ये है और रेट ऑफ रिएक्शन ये है सारे। फिर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए का इतना है, बी का इतना है और रेट इतना है। फिर एक्सपेरिमेंट थर्ड किया गया, उसमें ए का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, बी का इतना है और रेट इतना है। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर फोर किया गया जिसमें जो है ए का कॉन्सेंट्रेशन इतना लिया गया, बी का कॉन्सेंट्रेशन इतना लिया गया और इनिशियल रेट इतना लिया गया। वो कहता है डिटरमाइन द रेट लॉ एंड द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन। उनको रेट लॉ डिटरमाइन करना है एंड रेट कॉन्स्टेंट। तो रेट लॉ क्या है, रेट लॉ में क्या है कि रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में रिलेशन लिखते हैं। रेट लॉ क्या है, इट्स अ रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसी को रेट लॉ बोलते हैं। हम इन जनरल पहले लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अज्यूम करेंगे, इसको जो बनाना शुरू करेंगे सबसे पहले अज्यूम करेंगे, अज्यूम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए। मान लिए एक्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसको मान लिए वाई। विथ रेस्पेक्ट टू ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्स मान लिए, विथ रेस्पेक्ट टू बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाई हम मान लिए। अब जो है हम जो है रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, रेट एक्सप्रेशन के लिए रेट लिखने के लिए क्या करते हैं, डी एक्स वाई डी टी लिखते हैं, डी ओ वाई डी टी लिखते हैं। तो यहाँ पर एक्स एंड वाई दोनों अलग अलग माने हैं, तो इसलिए वो नहीं लिख करके डायरेक्ट हम लोग और रेट ही लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट इनटू द कॉन्सेंट्रेशन ए रेज टू सम पावर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू सम पावर, है ना। एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक विथ रेस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्स एज्यूम किए हैं, इसलिए ए पर पावर एक्स होगा। विथ रेस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाई एज्यूम किए हैं, इसलिए बी के ऊपर पावर वाई होगा। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वही पावर होता है, इसलिए हमने पावर वो दे दिया। रिएक्शन में क्या कोफिशियंट है उससे मतलब लिया, मतलब है यहाँ पर कि एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया जाता है यह पावर, और ये पावर जो होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन ये लिखा गया। इन जनरल ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखा गया है। अब एग्जैक्ट रेट ऑफ रेट एक्सप्रेशन तो तब निकलेगा जब एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालेंगे। अब इस एक्स एंड वाई का वैल्यू निकलेगा किसके हेल्प से, ये चारों एक्सपेरिमेंट के हेल्प से। तो हम लोग जो है देखेंगे कि जिसका डेटा सेम है ना उसको हम आपस में कंपैरिजन करेंगे। पहले क्या है, इस चारों का जो है हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं चारों के, ठीक है। चारों के लिए हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो पहला के लिए क्या होगा, पहला का रेट क्या है, 6.0 × 10⁻³ इक्वल टू के, ठीक है। और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.1। ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.1, ये भी पावर एक्स हो जाएगा। और बी का कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 ही, तो पावर वाई हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर टू देखते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर टू में रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, 7.2 × 10⁻²। इसका रेट कांस्टेंट होगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.3 एक्स पावर हो जाएगा। और बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.2।
ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। उसके बाद थर्ड एक्सपेरिमेंट नंबर 3 देखते हैं, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन हो गया 2.88 इंटू 10^-1। अब ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.3। बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.4। उसके बाद जो है हम लोग फोर्थ एक्सपेरिमेंट में आते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है 2.4 इंटू 10^-2। इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए का कितना है 0.4 है। और बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1। तो इसका हम लोग बोल देंगे फोर्थ इक्वेशन। इस तरीके से हमको 4 इक्वेशन मिल गया। अब इस चारों को कंपैरिजन करके एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन का कुछ हिस्सा को हम लोग वाइप आउट करेंगे, अपनी जगह की कमी है, डिटरमाइन क्या करना है रेट लॉ एंड रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो हम जो है हटा रहे हैं इस रेटा को, 4 इक्वेशन मिल गया है। जो है हमारे पास ये 4 इक्वेशन है, इसमें से आपस में कंपैरिजन करेंगे, जिसमें देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है और कॉन्सेंट्रेशन का पावर भी सेम है। दोनों अगर सेम रहेगा जो, तो उससे हम इसको कंपैरिजन कर देंगे तो आसानी से बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 0.1 × x है, 0.1 × y, और जो इक्वेशन नंबर 4 को देखिए, 0.1 × y है। अगर इस दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 0.1 × y, 0.1 × y, तो y कैंसिल हो जाएगा, तो x ही बचेगा, मतलब x का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए पहला और चौथा को हम लोग पहले कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 वी गेट, और डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर इक्वेशन 4 कितना है 2.4 इंटू 10^-2, और 1 में कितना है 6.0 इंटू 10^-3, डिवीजन हो गया। इधर क्या है कि 0.4 × x एंड 0.1 × y, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में क्या है के 0.1 × x और इधर 0.1 × y, ठीक है। यही हो गया हमारा रेशियो इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 1।
दोनों में जो सेम चीज़ है, कुछ एक चीज़ कॉमन रहा है उसी को हम लोग रेशियो लेते हैं, ताकि एक्स या वाई में से एक कैंसिल हो जाए। तो ये दोनों सेम है इसलिए ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और हमारे पास बचा इधर 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 6.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इधर यहाँ के भी कट गया। अब यहाँ क्या 0.4 बाय 0.1 दोनों के ऊपर पावर एक्स ही है तो दोनों को एक ही अंदर लिया। अब ये चार बार में कट जाएगा, ठीक है जी, ये चार हो जाएगा कि नहीं। तो दोनों तरफ हमको कैलकुलेशन कर देना है। ध्यान से देखिए ये क्या है, 6 है और ये 2.4 है, तो चार बार में ये कट जाएगा। ये 10 टू द पावर माइनस 3 है, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, तो 10 ही बचेगा ना, तो अप्रॉक्सीमेटली जो है हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसको जब काटते हैं तो 6 जब 24, ये 2.4 है, ये 6 है ना, तो ये काट के आएगा 0.4। फिर इसको और इसको अगर काटेंगे तो यहाँ बच जाएगा 10। फिर इसको इससे काटेंगे तो ये चार बार में कटेगा, तो इधर क्या आ गया 0.4 इंटू 10 कितना हो गया, 4 हो गया। और इधर क्या हो गया, 4 टू द पावर एक्स हो गया, यानी क्या हो गया, 4 टू द पावर 1 इक्वल टू 4 टू द पावर एक्स, ठीक है। देयरफॉर एक्स इक्वल टू 1, इसलिए एक्स का वैल्यू 1 हो गया। तो एक्स का वैल्यू हम डिटरमाइन कर लिए, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ मिल गया हमको, एक्स का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग को निकाल लेना है वाई का वैल्यू, ठीक है। तो हमने वाई को कैंसिल कर दिया तो एक्स का वैल्यू निकल गया। अब ऐसा हम इक्वेशन दो ढूंढेंगे जिसमें कि एक्स को कैंसिल कर देंगे तो वाई निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब जो है देखिए, यहाँ 0.3 टू द पावर एक्स है, 0.3 टू द पावर एक्स है, तो दोनों में एक्स सेम है ना, इसलिए इस दोनों का रेशियो करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारे पास वाई बच जाएगा। इसलिए 2 और 3 को कंपैरिजन करेंगे। अभी क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। इक्वेशन नंबर 3 को हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, तब इसमें x कैंसिल हो जाएगा और y बच जाएगा, फिर y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है। तो 2.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू ए इंटू 0.3 टू द पावर एक्स, इधर हो जाएगा 0.4 टू द पावर वाई, चल जाएगा के 7.0.3 टू द पावर एक्स, और उधर हो जाएगा 0.2 टू द पावर वाई, ठीक है। 0.3, 0.2, 0.3, 0.4, 0.3, 0.4, ठीक है। अब देखिए ये के और के कट गया, ये और ये कट गया सेम है, वाई बचा के, और इधर भी कट जाएगा 10 टू पावर माइनस 2 कट गया, और 27 28, ठीक है, 14 8, तो ये भी 4 0.4, ठीक है। ये जो है चार बार में कट जाएगा, यहाँ पर पॉइंट है ना, ये चार बार में कट जाएगा। तो इधर क्या हो गया, 4 आ गया, और इधर क्या आ गया, 0.4 बाय 0.2, 0.4 पर भी पावर वाई है, 0.2 पर भी पावर वाई है, इसलिए दोनों को एक ही साथ कर दिया। अब इससे ये कट गया,
दो बार में, ठीक है। अब आ गया, अब ये जो फोर है इसको हम लिख सकते हैं टू स्क्वायर, और ये क्या हो गया, टू टू द पावर वाई हो गया। तो क्या निकला, एक्स इक्वल टू टू निकल गया, एक्स वाई इक्वल टू टू क्या निकला, वाई इक्वल टू टू। तो एक्स इक्वल टू वन है, वाई इक्वल टू टू है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी दोनों पता चल गया, ठीक है। अब हम जो है एक्स एंड वाई मिल गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू वाई सेकेंड ऑर्डर है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए हो गया वन, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी हो गया टू। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल गया हमको वन एंड टू। अब जो है हमको क्या करना है, रेट एक्सप्रेशन लिखना है, रेट लॉ लिखना है, एक्स एंड वाई का वैल्यू आ गया और हमको क्या लिखना है, रेट लॉ लिखना है। पहले इन जनरल रेट लॉ लिखे थे, अब स्पेसिफिक रेट लॉ लिखेंगे क्योंकि हमको एक्स एंड वाई का वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। अब जो है रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे हम लोग, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के ए टू द पावर वन एंड बी टू द पावर टू, ये हो गया हमारा रेट, ठीक है, ये हो गया हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन में और एक चीज़ कहा गया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट सुनाया ही गया है, रेट कांस्टेंट को भी हमको डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन अब करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, सारे जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा रेट लॉ, ये हो गया रेट लॉ, ये हुआ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब हमको क्या करना है, रेट दिया हुआ है तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है ही, ठीक है। तो हमारे पास चार चार एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर वन टू थ्री फोर, इस चारों में से किसी एक एक्सपेरिमेंट को हम कंसिडर कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। क्वेश्चन में चार एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है ना, एक्सपेरिमेंट नंबर वन टू थ्री फोर, चार एक्सपेरिमेंट है, वन टू थ्री फोर, इस चारों में से किसी एक को कंसिडर करेंगे, किसी को भी कंसिडर करेंगे और उसमें हम एक्स एंड वाई का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास रेट कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा। तो आपकी इच्छा जो हो, चारों में से जिसमें आसान सबसे लगे उसमें आप पुट करो, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, पहला इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, सबसे पहले जो लिखे हैं इक्वेशन उसी में पुट कर देते हैं, किसी में भी पुट करेंगे एक्स वाई का वैल्यू निकल। तो हम लोग लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन तो क्या लिखाएगा, 6.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इक्वल टू के, यहाँ क्या है 0.1 और इसके ऊपर पावर क्या है 1, उसके बाद क्या है 0.13 है ना, उसके ऊपर पावर वाई है, वाई का पावर 2 हो गया, ठीक है। अब के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 अपॉन, ये इधर डिवीजन हो जाएगा, 0.1 अकेले है, 0.1 स्क्वायर है, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सब तो 0.1 ही है, तो 1 प्लस 2 3 हो गया, ठीक है। अब जो है कैलकुलेशन करेंगे 0.1, ठीक है, तो हम लोग क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, 6.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। अब ये जो है 0.1 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 10 1 एक पॉइंट इधर 10 टू दी पावर माइनस 1 लिख सकते हैं,
साइंटिफिकली हम लोग लिखते हैं, ध्यान से देखिए कि हम लोग सही लिखे कि 0.1 है उसको 1×10⁻¹ लिखें। 0.1 है ना, ये 0.1 है जिसको क्या लिखें 1/10 लिखेंगे, 1/10 को क्या लिखेंगे 10⁻¹। 0.1 को हम 10⁻¹ लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, के इक्वल टू 6.0×10⁻³, और नीचे हो गया 1, पावर दोनों पर है 1, तो ये 1 ही रहेगा, और 10⁻³ है, 3 है पावर, तो दोनों गुना हो जाएगा -3। अब दोनों जगह 10⁻³ कट गया तो क्या बचा, सिर्फ 6 बचा, तो के का वैल्यू कितना हो गया 6। तो रेट कांस्टेंट हमारा निकल गया 6, ठीक है। रेट कांस्टेंट क्या हो गया 6 हो गया, रेट कांस्टेंट निकल गया 6, जो है मोल स्क्वायर पर सेकंड, यही हमारा आंसर हो गया ये रेट का। ओके।